जय हिंद स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर पे रह के हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनकी टाइपिंग स्पीड भी परफेक्ट है, लेकिन उनके पास कोई एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल के बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट लगना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में वो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं और वहाँ अच्छी खासी फीस पे करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के मार्फत एक बहुत ही ईजी मेथड बता रहा हूँ जिससे आप घर बैठकर हिंदी और इंग्लिश या फिर दोनों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स पा सकते हैं। कैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिलेगा, किस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट आना है और आपको क्या क्या करना होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। सर्टिफिकेट पाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ICE Academy by Manish इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी के नीचे सबसे बॉटम पर आप लोगों को स्टोर सेक्शन दिखाई देगा जो कि ये रहा। स्टोर सेक्शन पे चले जाइए और स्टोर सेक्शन के अंदर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग या टाइपिंग टाइप करेंगे तो आपको ये कोर्स दिखाई देगा। इस कोर्स के ऊपर क्लिक करते ही कोर्स ओपन हो जाएगा और इस पर आपको सारी जानकारी कंटेंट में मिलेगी। नीचे बाई बटन है, इस समय जैसे ऑफर चल रहा होता है तो यहाँ पे कूपन भी दिखाई देता है। आप इस कूपन के व्यू ऑल पे क्लिक करिए और आप अपना कूपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 20% कूपन चल रहा है तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको दिखाई देगा कूपन अप्लाई हो गया और इसकी फीस राउंड अबाउट 410 आ गई। कूपन टाइम वेरिएंट होता है। अब आप जैसे ही इसकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आप लोगों को ऊपर कंटेंट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको PDF में आपका सैंपल सर्टिफिकेट भी दिखेगा। इसके साथ मैंने आपको एक फ्री हिंदी इंग्लिश ऑफलाइन टाइपिंग सर्टिफिकेट या टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी दिया है, JR टाइपिंग नाम है उसका, और वो भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है आप लोगों को, अगर घर पे कोई फुल वर्जन का टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिल रहा है। वो कैसे करना है इंस्टॉल, उसका वीडियो यहाँ अवेलेबल है। आपको करना क्या है, जैसे ही आपने इसकी पेमेंट कर दी और उसके बाद एक आप लोगों को PDF फाइल इस पे और मिलेगी जिसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करने का या जिस पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करने का एक एग्जाम का लिंक मिलेगा। मान लीजिए आपको इंग्लिश में सर्टिफिकेट चाहिए। पेमेंट के उपरांत आप लोगों का ये टाइपिंग टेस्ट का लिंक ओपन हो जाएगा। इसे आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करिएगा ताकि आप लोगों को सॉफ्टवेयर डायरेक्ट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खुल जाए जिससे कि आप लोग अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकें। मैं आपको इसे PC में खोल के दिखाता हूं कि यही ऐप आप अपने कंप्यूटर पे कैसे खोलेंगे और टेस्ट कैसे देंगे। इस एप्लीकेशन को मोबाइल की जगह कंप्यूटर पे चलाने के लिए आप लोग गूगल करिए क्लास प्लस लॉगिन, आपको ये वेबसाइट मिलेगी, आप इसे क्लिक करिए। आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, इनको आपको फिल करना होगा। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले ORG कोड यहाँ लिखिएगा FHHSS, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी से आपने अपने फोन पे लॉगिन किया है। जैसे ही आपने प्रोसीड किया आपके सामने OTP आएगा आपके फोन पर, आप उस OTP को यहाँ पे डाल दीजिएगा, फोन पे नहीं सॉरी आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। आप अपनी ईमेल आईडी खोलकर इस पर OTP टाइप कर दीजिएगा और जैसे ही आपने OTP डाल के लॉगिन किया आपके सामने आपके मोबाइल एप्लीकेशन की तरह से सेम ऐसे ही यहाँ पर भी खुल जाएगा। अब क्योंकि आप लोगों के पास अगर आपने कोर्स बाई कर रखा है तो साइड में आपके प्रोफाइल पे जाइएगा और इस प्रोफाइल के अंदर आपको जो भी कोर्सेज आपने बाई किए हैं वो कोर्सेज में यहाँ दिखाई देंगे। आप यहाँ से क्लिक करके अपने कोर्स को पा सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोगों को ये PDF कैसे खोलनी है। तो यहाँ कंटेंट दिखाई दे रहा है, कंटेंट के अंदर आप जगह है बिल्कुल सेम वैसा ही जैसे आपका मोबाइल में दिखता था वैसे ही इस पर भी आ जाएगा। आप इसी को जैसे ही क्लिक करेंगे ये PDF ओपन हो जाएगी और PDF ओपन होते ही आपको हिंदी टाइपिंग टेस्ट देना है तो उसका लिंक और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देना है तो उसका लिंक भी दिखाई देगा। मान लीजिए मुझे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देना था तो मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया या तो फिर इस लिंक की कॉपी कर दी और कॉपी करने के बाद मैं सीधा अपने वेब ब्राउजर पर जाके टाइप कर देता हूँ। मेरे पास हिंदी टाइपिंग करने का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और यहां पर आपके सामने जो सॉफ्टवेयर खुल गया है इस सॉफ्टवेयर पे आप अपना नाम लिखिए। आपने अपना नाम डाल दिया जय सिंह। आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 10 मिनट का टेस्ट दिखाना है। कोई भी एक पैराग्राफ चूज कर लीजिए और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने जय सिंह के लिए एक टेस्ट ऑन हो गया है, आप इस पर बैठ के टाइप करिए। ध्यान रखिएगा जो भी आप टाइप करेंगे जैसा भी स्पीड है वो सारा का सारा ये सॉफ्टवेयर नोट कर रहा है। अब क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा आपका 10 मिनट हो जाएगा आपको एक रिजल्ट दिखाएगा। मैं इसके पूरा खत्म करने के बाद का दिखाता हूं आपको।
जब आपका ये टेस्ट पूरा हो गया तो इस तरीके का आपको ये पूरा का पूरा टेस्ट में आउटपुट रिजल्ट दिखाएगा। इसकी आपको फोटो ले लेनी चाहिए। जैसे ही आप इसकी फोटो ले लेंगे, आपके टेस्ट में जिस नाम से बच्चे ने टेस्ट दिया है उसकी कितनी स्पीड है, एक्यूरेसी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब में मिनिमम एक्यूरेसी 95% मानी जाती है। तो आप लोग एक्यूरेसी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा, तो आपकी इसी स्पीड के अकॉर्डिंगली आप लोगों का एक सर्टिफिकेट यहां से डिजाइन होकर आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूं, बहुत आसान है। आप लोग सबसे पहले अपना मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स की पेमेंट करने वाले हैं। कोर्स की पेमेंट करने के साथ साथ आप लोगों को कोर्स का लिंक खुल जाएगा। कोर्स ओपन होते ही आप लोगों को टाइपिंग देनी है। टाइपिंग के टेस्ट का आप लोगों को मुझे मेरी ईमेल आईडी पर वो स्क्रीनशॉट और फीस की रिसिप्ट सेंड कर देनी है। आपको यहां से एक सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाएगा। कुछ बेसिक डिटेल्स और देख लीजिए। सर्टिफिकेट कैसा होगा उसका सैंपल भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप उसके आधार पर समझ सकते हैं कि इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। हाँ, अगर आप लोगों का ये जो सर्टिफिकेट है इसकी ड्यूरेशन जो है 6 मंथ की है। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश आपको दोनों के स्क्रीनशॉट भेजने हैं, हिंदी का भी इंग्लिश का, अगर दोनों के लिए चाहिए। और अगर आप सिर्फ इंग्लिश का कर रहे हैं तो इंग्लिश का मिल जाएगा, अगर आप सिर्फ हिंदी का चाह रहे हैं तो हिंदी का मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों के अलग अलग सर्टिफिकेट नहीं है, एक ही सर्टिफिकेट में आपको हिंदी टाइपिंग भी मिल रही है, एक ही सर्टिफिकेट में आपको इंग्लिश टाइपिंग भी मिल रही है। हाँ, किसी को 6-6 मंथ के दोनों अलग अलग बनवाने हैं तो उसको मेरे को पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, मैं उसका उपाय उसे बता दूंगा। वैसे नॉर्मली बच्चे एक ही सर्टिफिकेट टाइपिंग का लेते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, या फिर दोनों एक ही सर्टिफिकेट में दोनों ही मेंशन होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। आप लोग बस ये लिंक पर अपना कॉपी पेस्ट करके हिंदी का भी अगर आपको करना है तो सेम इसी तरीके से हिंदी वाले टेस्ट का भी लिंक आप ओपन कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर पर, और हिंदी का भी टेस्ट आप लोगों को अपना नाम और अपना 10 मिनट का टाइमिंग और इससे कोई भी एक पैरा लेकर आप लोग टाइप करने वाले हैं। जैसे ही आप टाइप करके ये स्क्रीनशॉट मेरे को रिजल्ट का देंगे, उसी के बिहाफ में 7 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट के पीडीएफ कॉपी जिस मेल आईडी से आपने हमें भेजा है उसी मेल आईडी से आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। उस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकालकर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जहां टाइपिंग मांगी जाती है वहां इसे लगा पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये इजिली समझ आ गया होगा, आप लोग आराम से कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो मुझको व्हाट्सएप करना ना भूले। के लिए मैंने एक और बहुत ही इजी मेथड कर दिया है कि आप इस पीडीएफ को क्लिक करिएगा, टाइपिंग सर्टिफिकेट कैसे पाएं। पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी और उस पीडीएफ में आपको पूरी इंफॉर्मेशन जैसी दी गई है वैसा ही आप लोग फिल कर दें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप लोगों को यहां पर पूरा लिंक दे दिया गया है, साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसका स्कैन करने के साथ साथ, प्रिंट आउट निकालने के साथ साथ इसको भर दीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा और मेरी ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर दीजिएगा। एक चीज और बच्चों, कुछ ऐसे भी संस्थाएं होती हैं जहां पर, या कुछ ऐसी भी गवर्नमेंट फॉर्म्स होती हैं जहां पर आप लोगों के सर्टिफिकेट की ऑथेंटिकेशन चेक की जाती है। मेरे पास वहां से ऑथेंटिकेशन के लिए आते ही है, पोस्ट आती है और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे से करवाते भी हैं। तो जब पोस्ट आती है हम अपने डेटाबेस में चेक करते हैं कि आप लोगों ने अगर किसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। गवर्नमेंट हम लोगों से सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन मांगती है, हम यहां से आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई भी करके सेंड कर देते हैं। तो आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहां पर आप लोगों का ऑथेंटिकेशन के लिए सर्टिफिकेशन आता है अगर गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट पे ही आएगा, हम उसे वेरीफाई करेंगे और आपको भी इन्फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, अगर आपके पास अगर कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से है तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आई होप आप लोगों को ये सारे इन्फॉर्मेशन इजिली समझ आ गई होंगे।